Yes, we are live again. आज एक खिलौना मिल गया है सब लोगों को यहाँ पे. So everybody is playing with my doll. Okay, so now I'll be using Frog. This Shopper Nail concealer and the shade I'm gonna use is 03. मैं बहुत fair makeup नहीं पसंद है मुझे. As if everybody knows, I always love keeping a skin a very natural and very super. और आज तो मेरी फेवरेट स्किन आई हुई है मेरे पास डस की. तो मुझे तो बहुत पसंद है डस की स्किन. आई लव डस की स्किन मोर. सो जितने लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आज कुछ नया सीखने मिलेगा आप सब लोगों. और यार जेलेसी रखना बंद करो. जितने ज्यादा लोग सीखेंगे हम ज्यादा खुश होंगे. हम अगर ये फ्री सेशन में इतना ब्यूटीफुल सिखा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं बता सकते कि जिया मैम आज बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप बता रही है. बोलिए बोलिए. स्क्रीन ग्रीन हो गया. स्क्रीन ग्रीन हो गया. कैसे हो गया? कैसे हो गया पता नहीं. कुछ नहीं दिख रहा है. दिख रहा है सबको? मैम आपके जैसा बनना है. रोशनी जिया मैम जैसा बनना है या मेरे जैसा बनना है? चलो जल्दी बताओ. चेक इन द फोन. Okay, while I apply a highlighter, I always change my blender. Foundation हल्का सा आपका dark होता है. So according to that, you need to change your blender too. Guys, दिख रहा है सबको? सी मुझे तो दिख रहा है. दिख रहा है दिख रहा है. वीडियो नहीं आ रहा है. बंद करके ऑन कीजिए वापस से इंस्टाग्राम. वापस से क्या लगाया हमने? हाईलाइटिंग शेड लगाया, कंसीलर लगाया है. 03 नंबर फ्रॉम शॉपर रेल. सी गाइस, नहीं कुछ दिखाई नहीं देता. अरे बंद करके वापस चलो कर इंस्टाग्राम. मुझे सच्ची में माय फोन इज नॉट कनेक्टेड टू वाईफाई बट स्टिल आई कैन सी. सॉरी आई डिड समथिंग. सी माय फोन इज नॉट कनेक्टेड. मुझे आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं. नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट मुझे दिख रहा है. सी सच्ची में बंद कीजिए ऐसे लाइव. स्क्रॉल कीजिए नीचे, रिफ्रेश कीजिए, आपको भी दिखेगा. सी अगेन मैं आ गई. दिख रहा है मैम? वीडियो सेव रहेगा ऑफ कोर्स. दिख रहा है ओके रेखा जी, थैंक यू. रिफ्रेश करो. करेक्ट मैम. मेकअप के बाद अच्छी आंखें चीनी जैसी लगती है. कभी कभी क्लाइंट बोलता है काजल मत लगाओ. गाइस क्लाइंट को बोलो काजल नहीं लगाते ना, इसलिए चीनी जैसे लगते हैं. काजल लगाना जरूरी है, अंडर आइज करना जरूरी है. मेकअप करते हैं तब मेकअप फट जाता है. क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जीएमएम ने हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज किया था. आप लोग नहीं यूज करते तो ड्राइनेस आ जाती है और मेकअप फट जाता है. मैम डार्क स्किन के लिए फाउंडेशन शेड. डार्क स्किन के लिए शॉपरेल में आप ले सकते हो 6 नंबर या 8 नंबर. 11 नंबर डार्केस्ट है. जस्ट गोल्ड में आप 5 नंबर 6 नंबर ले सकते हो. 5 नंबर जीएमएम का फेवरेट है. और कोई ब्रांड का पूछना तो पूछ सकते हो. ओके उर्मी मैम योर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज. वॉन्ट टू नो अबाउट महोत्सव. वॉन्ट डिटेल्स अबाउट महोत्सव. महोत्सव में डिटेल्स जानने के लिए सिंपल मुझे मैसेज कीजिए. वॉन्ट टू नो महोत्सव डिटेल्स. माई नंबर इज 9265255114. मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ तो आप धवल को कॉन्टेक्ट कर सकते हो कभी मैं बिजी रहूं तो. आई एम यूजिंग शॉपर रेल Translucent powder in the shade is 02, which is one of my favorite, and this is my puff. Yes, finger puff by none other than Gia Sosa. So, कैसे लगा रहे हैं ये finger puff से? This is a very nice technique. ये technique से लगाने से आपका proper baking होगा. जब हम loose powder लगाते हैं, the process that we do is baking. So, I was about to give you Dhaval's number. It is 7874281683. And Himanshu's number is 9825711376. दिख रहा है, दिख रहा है. ओके ऑनलाइन क्लास कब है? अब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास जो है महोत्सव की वो मोनिका दवे जी की है. मेकअप आर्टिस्ट मोनिका दवे. एंड इट इज ऑन 5th, 6th एंड 7th ऑफ
January. Thank you. Zoom, 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 zoom. लो zoom कर दिया थोड़ा और. Finger puff कहाँ मिलेगा? Of course हमारे पास मिलेगा finger puff. आप जिया सोसा को DM भी कर सकते हो. जिया मैम महोत्सव है, कलर व्हील सिखाना प्लीज. कलर व्हील तो वैसे भी हम लोग फ्री में देने वाले हैं आप सब लोगों को. जिया मैम को परेशान करने की जरूरत नहीं है. और टेक्निकली जिया मैम तो बिलीव ही नहीं करती कलर व्हील में. सो गाइज, जस्ट गोल्ड में मीडियम स्किन टोन के लिए शेड 4 नंबर. हुडा फाउंडेशन लाइट मीडियम डार्क. हाँ सब यहाँ पे ही पूछ लो, पूछ लोगे नंबर, लेकिन करने का टेक्निक ही नहीं आएगा तो क्या करोगे. हुडा में 150, 220 या 240 और 320. लुकोडर्मा स्किन पर मेकअप बताओ ना. लुकोडर्मा स्किन लेकर आइए, हम मेकअप बता देंगे. प्राइस ऑफ फिंगर पफ, प्राइस ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ थ्री पफ, इट इज 750 रुपीज फॉर थ्री पफ. छोटी आईज को बड़ी कैसे दिखाते हैं मैम? पिगमेंटेड कलर्स लगाने हैं, ग्लिटर ज्यादा, ग्लिटर ज्यादा लगाओ, पिगमेंटेड कलर्स ज्यादा लगाओ. व्हेन विल मेकअप महोत्सव स्टार्ट? आई एम यूजिंग फेरेरुशी ब्रॉन्जर इन द शेड इज 11, बिकॉज जब भी आपके पास डार्कर टोन के स्किन आती है तो आपको लाइटर टोन का कॉन्टोर नहीं यूज करना है. यू हैव टू यूज द कॉन्टोर शुड बी अ 2 और 3 शेड डार्कर देन हर स्किन टोन. तो अभी आप देखेंगे मेरा जो कॉन्टोर टोन है, मैं जो नॉर्मली यूज करती हूँ, आई यूज बामा मामा 02. बामा मामा, सो दिस इज द शेड विच इज अ वेरी डार्क शेड. और मैं जो नॉर्मल में यूज करती हूँ, दिस इज दिस शेड. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द कलर्स. दिस इज अ लाइटर ब्रॉन्जर टोन एंड दिस इज अ डार्कर ब्रॉन्जर टोन. तो जब भी आपके पास डस्क के स्किन पे आप मेकअप कर रहे हो तो यूज दिस काइंड ऑफ अ कलर टू गिव अ एनहांस टू योर स्किन एंड दिस गिव यू अ कंप्लीट स्कल्प लुक टू हर स्किन. अदरवाइज आप लाइटर टोन वर्जन यूज करोगे तो उनके स्किन पे पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्टोर किया है कि स्किन का कलर है. ओके, सो हम कहाँ थे? हम किसी के क्वेश्चन पे थे, कहाँ गया, कहाँ गया. ओके, मेकअप महोत्सव मानसी जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हमारा एक क्लास कंप्लीट हो चुका है. बट सिर्फ एक ही क्लास हुआ है जिसके वीडियो सेव्ड है और वो वीडियो सेव रहेंगे एक साल के लिए. सो यस, नेक्स्ट क्लास 5th, 6th और 7th of January को है, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और अभी ज्वाइन कीजिए ताकि पुराने वीडियोज जो 3 दिन के थे वो भी देख लो, नए वीडियोज भी देखने मिले. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया है और यहाँ पे कॉन्टोर नहीं किया है. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड जिया सोसा टेक्निक व्हाइल यू डूइंग अ कॉन्टोर. एब्सोल्युटली, दिस इज योर अमेजिंग रिजल्ट. आप ये टेक्निक से आप हमेशा कॉन्टोर करिए, यू विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्टोर. आप देखिए यहाँ पे मैंने कॉन्टोर कर दिया है, तो यू सी हर स्किन हियर एंड मैंने यहाँ पे अभी तो कॉन्टोर नहीं किया, बट स्टिल यू गेट अ वेरी नाइस शार्प लुक. यस मैम, क्रायलॉन मेकअप सूरत में पेन स्टिक कहाँ मिलेगी? तुलसी जी मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी. मेकअप महोत्सव कहाँ होने वाला है? मेकअप महोत्सव ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे होने वाला है. पाउडर नंबर इज 02 फ्रॉम शॉपर रेल. आईज नीचे क्रीज केम रे छे, वो तो नेचुरल है, वो नेचुरल है. और अ ब्यूटी पार्लर यू कांट चेंज दैट अंटिल एंड अनलेस यू गिव हर सम नाइस स्किन ट्रीटमेंट. लेकिन कम प्रोडक्ट लगा के आप उसको कम दिखाइए. मतलब सी, ज्यादा प्रोडक्ट लगाओगे ना तो वहां पे केक ही हो जाएगा. वहां पे आप प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो ज्यादा, और फिर वो क्रीज तो दिखने ही वाली है क्योंकि वो है, वो क्लाइंट को हमने पैदा नहीं की है वो क्रीज, वो ऑलरेडी उनको है. हम ज्यादा प्रोडक्ट लगा के ज्यादा दिखाते हैं. आई एम यूजिंग दिस पैशन फीवर पैलेट एंड दिस इज द ब्लश आई एम गोना यूज इट. तो उर्मी जी, मैं ये भी बता दूं कि जब भी डस्की स्किन होती है तभी आपको पिंक टोन्स नहीं यूज करने हैं, यू हैव टू यूज अ ब्रॉन्जर टोन्स. यस, सो आपको ब्रॉन्जर टोन्स यूज करने हैं. ऑलवेज यूज ब्रॉन्जर टोन्स व्हेन एवर यू गेट अ डस्की. ओके सॉरी मैम, शो डिफरेंस कॉन्टोरिंग ऑन डिफरेंट फेस शेप. गाइस सच्चे बोलो,
ऑनलाइन क्लासमेट इज नॉट पॉसिबल, प्लीज ज्वाइन द ऑफलाइन क्लास फॉर अ डीप नॉलेज अबाउट कॉन्टोरिंग. मेकअप का डीप नॉलेज तो मिलने ही वाला है, बट कॉन्टोरिंग के लिए आई एम यूजिंग जस्गो एंड मिक्स एंड फिक्स स्प्रे. मैं फैशन फीवर 5 नंबर हाईलाइटर यूज कर रही हूँ. ओके, वी आर यूजिंग अ फैशन फीवर 5 नंबर हाईलाइटर. कुछ क्वेश्चंस मैंने मिस किए हैं तो मैं देख लेती हूँ. बेस्ट इल्यूमिनेटर टू मिक्स विद फाउंडेशन, ऑलरेडी इन्फॉर्म फैशन फीवर का हाईलाइटर प्राइमर. यू हैवंट रिप्लाइड मी, आप मुझे भूल गए. नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको नहीं भूली, बट पक्का मैंने अब आपका आंसर दे दिया होगा. अगर नहीं दिया है तो प्लीज मुझे पूछ लीजिए. और कोई ब्रांड कॉन्टोर शेड के लिए पीएसी का ले सकते हो आप, पीएसी में भी बहुत सारे अच्छे शेड्स है. ठीक है, फाउंडेशन में कुछ ऑयल मिक्स किया था मैम, वो क्या है? वो जिया सोसा एसेंशियल ऑयल है. सो यस, इट इज अ वेरी गुड, वो इससे आपकी स्किन को आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो. हाइड्रेटिंग स्प्रे का नेम है जस्ट गोल्ड मिस्ट. मैम दिखाई नहीं दे रहा है, पक्का दिखाई दे रहा होगा, आप बंद करके चालू कीजिए वीडियोस. कॉन्टोर कौन सा है? अच्छा है मैम, प्लीज बताइए. फेरा रुशी अच्छा है, बहामा मामा अच्छा है, हुडा ब्यूटी का अच्छा था, एनेस्थासिया का अच्छा था, पीएसी का अच्छा था. प्रोडक्ट सब अच्छे हैं, आपको यूज करने का टेक्निक पता होना चाहिए. मैम शो डिफरेंट. ओके, ऑलरेडी इन्फॉर्म. ब्लैक जेल लाइनर स्प्रेड ना थाय एना माटे शू करवानू, एना माटे जिया मैम ने बहुत ही अच्छा टेक्निक लास्ट ऑनलाइन क्लास में बताया था. वही सेम टेक्निक मैम जिया मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वाले ऑनलाइन क्लास में भी सिखा दे. लेंस लगावा जरूर छे, ऑफ कोर्स लेंस से ही पूरा फेस आपका अलग दिखता है. बोलते हैं ना कि मेकअप ज्यादा नहीं दिखना चाहिए लेकिन थोड़ा लुक डिफरेंट होना चाहिए, तो वो चीज है. डर्मा ना शेड्स प्लीज क्राइलॉन माओ. डर्मा अगर आपको बाय करना है, स्टिक्स बाय करते हो अगर आप, तो आपको लेना है FS 27, 28, 29, और हाईलाइटिंग के लिए FS 20, 22. ये आप यूज कर सकते हो. अब पता चल रहा है कहां गिरा है. ब्रॉन्जर टोन मींस, ब्रॉन्जर मींस ब्राउन कलर्स. जब भी आप ब्राउन कलर्स यूज करते हो इट इज कॉल्ड द ब्रॉन्जर टोन्स. सो ब्रॉन्जर में कौन सा टोन कब यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए. ब्लशर ब्रश नंबर 231 नंबर फ्रॉम पीएसी. स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज करना बताइए ना प्लीज. यस प्रिंसी जी, हम ऑलरेडी बताने ही वाले हैं हमारे ऑनलाइन क्लास में. सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो वेट एंड वॉच. लव यू उर्मी मैम एंड जिया मैम, थैंक यू सो मच. जेल लाइनर स्प्रेड होती है प्लीज आंसर. हाँ होती है ना, अगर आप सही से नहीं लगाओगे राइट टेक्निक से तो होती है. उसका करेक्ट टेक्निक सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए मेकअप महोत्सव, जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 3,000 rupees. दी एक्सपो डेट एंड एंट्रेंस फीस बता दो. अरे क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो यार, एक्सपो नहीं है, कोरोना वाले नहीं होने दे रहे एक्सपो. मिस्ट का यूज क्या है? मिस्ट का यूज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसने पूछा? रिवाइव ब्यूटी सलोन. मिस्ट जो है वो आप हाइड्रेटिंग के लिए यूज कर सकते हो. देन जब आप हाइलाइटर लगाते हो, हाइड्रेटिंग के लिए कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो वो बताते. देखो कंसीलर के बाद पूरे फेस पे स्प्रे कर दो, और पूरे फेस पे स्प्रे करने के बाद और आप हाइड्रेट फिर ब्लेंड करो. पूरे फेस पे स्प्रे करने के बाद आपको ब्लेंड करना है, फिर वापस से फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन के बाद भी वापस से हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज करो, स्प्रिंकल ओवर द फेस एंड ब्लेंडेड इजीली. फिर द मेन माय फेवरेट पार्ट, आप जब भी हाइलाइटर करते हो तो हाइलाइटर करते वक्त ब्रश के ऊपर थोड़ा सा मिस्ट स्प्रे कीजिए एंड देन यूज द हाइलाइटर एंड अप्लाई, उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा. जस्ट गोल्ड फाउंडेशन प्राइस क्या है और कहाँ मिलेगा आपको? हमारे पास मिल जाएगा जस्ट गोल्ड फाउंडेशन, बट राइट नाउ आई थिंक 2 नंबर एंड 3 नंबर आर नॉट इन स्टॉक, राइट? यस, वी ओनली हैव 4, 1, 4 एंड 5. ओके, 1 नंबर 4 नंबर एंड 5 नंबर आर इन स्टॉक, 2 एंड 3 आर नॉट अवेलेबल. सो यस द प्राइस इज 850 rupees. नो, इट्स इंक्रीज बाय 990. सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द इन्फॉर्मेशन, इट इज 990 rupees फॉर ईच फाउंडेशन. जस्ट गोल्ड का क्या था? जस्ट गोल्ड का मिस्ट स्प्रे था, फाउंडेशन था, बहुत सारे. मैं ब्लू पेंसिल यूज कर रही हूँ बिकॉज इनकी ड्रेस में देयर इज अ ब्लू एंड पर्पल काइंड ऑफ अ टोन. यू कैन सी द दुपट्टा, सो देयर इज अ ब्लू एंड पर्पल काइंड ऑफ अ टोन. सो आई वांट टू क्रिएट
अ ब्लू लोअर लैश. बेकिंग करने के बाद एक्सेस पाउडर रिमूव नहीं करना होता, करना होता है ना, बट हम ऐसे लगाते हैं कि एक्सेस लगे ही ना, जितना जरूरी है उतना ही लगा रहे हैं. ब्लशर एंड हाइलाइटर ब्रश ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड. हाइलाइटर के लिए तो 278 फ्रॉम पीएसी था, एंड ब्लशर का नंबर भी मैंने बता दिया था, 231 नंबर. मैम आपके जैसा बेस नहीं दिखता है, ऑफ कोर्स नहीं दिखता है, क्योंकि आप जिया मैम की जितना प्रैक्टिस भी नहीं करते हो. वो जब भी उनका शूट नहीं रहता है, क्लास नहीं रहता है, फिर भी वो मॉडल को बुला के कुछ नया ट्राई करते हैं. शी रियली डजंट रिक्वायर बट स्टिल शी इज प्रैक्टिसिंग. अहमदाबाद एक्सपो 5-6 जनवरी तमें आउसो. 5-6 जनवरी को फॉर्चुनेटली मैं अहमदाबाद में ही हूँ, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि अहमदाबाद में एक्सपो है या कैंसिल हुआ है. सो लेट्स सी, अगर होगा तो मैं वहीं पे हूँ. I'm using the blue shade from palette Huda Beauty Sapphire Obsession. Last में makeup fixer कौन सा use करना चाहिए? हम तो Just Gold Misty use करते हैं as a makeup fixer also. So if you want, you can use that. Lens shade is Jade, J-A-D-E, Jade from Swati Verma Cosmetics. Of course, video save होगी. तानिया आप मत tension लो, मैंने save कर दी है. PSC no hydrating spray use कर सके? Of course कर सके. भाई कंपनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट यूज, हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज करना इम्पोर्टेंट है. चाहे आप पीएसी का यूज करो, जस्ट गोल्ड का यूज करो, फॉरएवर 52 का यूज करो, किसी का भी करो, इम्पोर्टेंट हाइड्रेटिंग स्प्रे है. मैम देखा तो नहीं, कल्पना वालंद आपको नहीं दिख रहा है, आप बंद करके वापस से चालू कीजिए रिफ्रेश करके. मैम मेकअप महोत्सव में बेसिक एडवांस नॉलेज मिलेगा ना? ऑफकोर्स मिलेगा लैला जी, पक्का मिलेगा, मार्क माई वर्ड्स. કેટલાક લોકો લેન્સ ના પાડે છે લગાવવા, તો શું કરું? કન્વિન્સ ધેમ કે લેન્સ લગાને સે એક બહુત હી બ્યુટીફુલ મેકઅપ દિખેગા, આપકા લુક ચેન્જ હો જાયેગા, ઓર હમ ઓર મતલબ આપકો ભી અચ્છી બ્રાન્ડ કે લેન્સ યુઝ કરને તાકિ વો યુઝ કર સકે. અગર આપ અચ્છી બ્રાન્ડ કે નહીં કરો ઓર ઉનકો કોઈ પુરાના બેડ એક્સપીરિયન્સ હુઆ હૈ તો હી વો મના કરતે હૈ, યા કહીં ઓર સે અગર ઉનકો બેડ એક્સપીરિયન્સ હુઆ હૈ તો હી ક્લાયન્ટ મના કરતે હૈ. બટ આપ બતાઈએ કે હમ અચ્છે ક્વોલિટી કે લેન્સ યુઝ કરતે હૈ और करनी भी चाहिए, जिससे आपकी आईज में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा. हाइलाइटर थोड़ू वधू होए तो कैमरा मैन के छे थोड़ू ओछू लगाओ. हाँ तो ओछू लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, जितना जरूरी है उतना लगाओ. और कैमरा मैन को बोलो आप अपना काम अच्छे से कीजिए ना, मैंने तो अच्छे से किया है. इट मीन्स कैमरा पर्सन जो है वो अपने आप को उन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया है, उन्होंने अपने आप को वहीं पे खड़ा किया है जहाँ पे आज से 5 साल पहले लोग खड़े थे. एग्जैक्टली आज अभी से ऐसे कैमराज है जो आपकी हाइलाइटर को और एनहांस करते हैं. मैं कभी लेस हाइलाइटर नहीं लगाती, नोबडी कैन टेल मी टू यू नो अप्लाई लेस हाइलाइटर, बिकॉज मेरा हाइलाइटर इतना होता है, बिकॉज आई लव हाइलाइटर. और हम पैसे किसके देते हैं यार, स्किन टोन तो कभी बना दे. वही तो, what makes you different from your you know competitor, competitor तो नहीं लेकिन आपके पड़ोसी मेकअप आर्टिस्ट से आप क्यों अच्छे हो, ये क्वेश्चन पूछा है कभी अपने आप से? हाइलाइटर कौन सा अच्छा है? देखो हाइलाइटर तो आप अगर मीडियम रेंज में लेना है तो आप जस्ट गोल्ड का हाइलाइटर पैलेट लीजिए, अगर होलोग्राफिक हाइलाइटर लेना है तो फैशन फीवर का लीजिए, फेरा ऋषि का लीजिए, बहुत आ गुड. डर्माइन सुप्रा में क्या है? डर्माइन सुप्रा में कंसीलर्स है. रिप्लाई माई क्वेश्चन लैला जी ऑलरेडी आंसर्ड. मैम पछी के ही ब्रश यूज करते हैं क्या? मैम पीएसी के ही ब्रश यूज करते हैं, यस. वॉर्म ब्यूटीलिशियस के भी यूज करते हैं, पीएसी के भी यूज करते हैं, ब्यूटीलिशियस के सारे ब्रश नहीं यूज करते. यस. वॉर्म अंडरटोन के लिए जस्ट गोल्ड के नंबर बताइए, 1345. काजल कौन सी अच्छी है? काजल तो मैम की फैशन फीवर की भी अच्छी है, सबसे बेस्ट है, एकदम डार्केस्ट ब्लैक है. क्राइलॉन के 3 शेड्स लेने चाहिए, मुझे पेन स्टिक के पता है 28, 29 एंड 22. मैम जिया मैम कौन से फाउंडेशन यूज करते हैं? आज जिया मैम ने मॉडल के ऊपर जस्ट गोल्ड यूज किया है, और उनके ऊपर कौन सा यूज किया है? मैंने अपने ऊपर मैक्स टच और टाटे शेप टेप मिक्स करके यूज किया है. ऑनलाइन क्लास है? यस है ना, ऑनलाइन क्लास रिंकू जी हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं,
मेकअप महोत्सव के, और उसमें सिर्फ एक 3 डेज का क्लास गया है और 42 डेज के क्लास बाकी है। सारे वीडियोस 1 साल तक सेव रहेंगे, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल वीडियोस, यस तीतू जी, ऑल वीडियोस 1 ईयर तक सेव रहेंगे। आई एम यूजिंग इनग्लॉट ब्लैक जेल लाइनर। यस, इनग्लॉट का ब्लैक जेल लाइनर है, उसमें एक ड्रॉप ड्यूरालाइन का ऐड किया, ब्रश को अच्छे से उसको मल्सिफाई किया एंड देन वी विल बी यूजिंग। कैमरा माटे हाईलाइटर केवी रीते लगाओ। ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास। स्पीकर मैम रिप्लाई प्लीज। स्पीकर मैम, वाओ, ये कोई पहली बार देख रहा है जिसने मुझे स्पीकर मैम बोला। क्या रिप्लाई करूं मैंने? अगर अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है तो विच मीन्स आपका क्वेश्चन ऑलरेडी रिप्लाई हो चुका है। नहीं हुआ है तो अब वापस ही पूछ लीजिए। क्या होता है ना, मैं वापस से बता देती हूँ आपको। आप लोग कंटिन्यूस मैसेजेस देख रहे हो पर मैं अभी भी ऊपर वाले मैसेज पे हूँ। आपके मैसेज तक आते आते 5 मिनट लगता है, तो तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ब्लैक स्किन पर ब्लैक स्किन होती ही नहीं है। सियोना ब्यूटी पार्लर, विच काजल हमने इनग्लॉट की जेल लाइनर यूज की है एज अ काजल, सॉरी ब्लू काजल कौन सी थी मैम? गॉर्जियस गर्ल की ब्लू काजल थी, और अभी हम लाइनर यूज कर रहे हैं इनग्लॉट का। सी, ये क्वेश्चन मधु जी ने पता नहीं कब पूछा रहेगा, मैंने अभी रिप्लाई दिया। ब्लैक स्किन नहीं होती है, ब्लैक स्किन नहीं बोलते, डस्की स्किन या डार्क स्किन बोलते हैं, ब्रॉन्ज स्किन भी बोलते हैं, पर मेकअप करते हैं तो अच्छा लगता ही नहीं। मैम क्या करे, क्यों? क्योंकि आप उसको भी गोरा बनाने की ट्राई करते हो, या आप अपनी वैनिटी में सिर्फ लाइटर शेड्स रखते हो, मीडियम शेड्स रखते हो, डार्कर शेड्स भी रखने चाहिए। जो स्किन टोन है वही स्किन टोन का फाउंडेशन यूज कीजिए, उसी से एक आध शेड लाइटर हाईलाइटर यूज कीजिए तो पक्का अच्छा लगेगा। काजल जो हमने ब्लू काजल यूज की वो गॉर्जियस गर्ल की थी। पीएससी नो हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज कर सका है ऑलरेडी। विरंजना जी, ये आंसर मैंने किसी और को भी दिया है, आपको भी दे रही हूँ। यस, कर सकते हो, ब्रांड इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। काजल कौन सी ब्रांड है? काजल जब यूज की थी वो गॉर्जियस गर्ल की थी। चलो, वो सेम 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 क्वेश्चंस है। मॉडल का फेस मिडल में सेट करो, कर दिया। रिंग लाइट कौन सी कंपनी की अच्छी है? मैम डीजीटेक की रिंग लाइट यूज करती है जो बहुत अच्छी है। ऑफकोर्स डीजीटेक की ले सकते हो। हुडा का प्राइस क्या है? प्राइस के लिए डीएमएस। एक्सपो कहाँ है? हमारा एक्सपो तो नहीं हो रहा है, अहमदाबाद के एक्सपो के बारे में मुझे पता नहीं है। जस्ट गोल्ड फाउंडेशन की प्राइस बानी मजुमदार मैंने बता दी है, इट वॉज 990 रुपीज। एक्सपो क्या है? एक्सपो क्या है, जब आप एक वेन्यू पे आके लाइव बहुत सारे आर्टिस्ट को देखते हो उसको एक्सपो कहते हैं, एग्जीबिशन। हाइलाइटर कौन सा यूज करना चाहिए हमने बता दिया है आपको। होलोग्राफिक भी यूज करना है, बेस हाइलाइटर भी यूज करना है। जस्ट गोल्ड का मेकअप कैसा है? आप बताओ कैसा है, आज हमने जस्ट गोल्ड का यूज किया है। भुवनेश्वर में मैम प्लीज क्लास करवाइए। भुवनेश्वर मार्च में आ रही है। मार्च महीने में फरहीन जी भुवनेश्वर ही आ रहे हैं मैम, सो आप चेक कीजिए और ज्वाइन कीजिए जिया मैम का क्लास। ओके, एंड वी हैव 5 डेज ऑफलाइन क्लास इन मुंबई और लिमिटेड सीट्स है, 15 या 16 सीट्स ऑलरेडी हो गई है। वी हैव ओनली 5 or 4 seat लेफ्ट फॉर मुंबई क्लास एंड इट इज 4-5 डेज मेकअप मास्टर क्लास और इसकी फीस है 20,000 रुपीज। सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन दिस क्लास सो यू कैन कॉल इरेन पटेल और एल्स यू कैन कॉल उर्मी ऑल्सो और एल्स यू कैन डीएम अस। आई एम यूजिंग फैशन फीवर मस्कारा विच इज वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा। यस, एंड इट इज द क्लास इन नवी मुंबई, सॉरी ओके सॉरी घाटकोपर में ये क्लास है मुंबई में। सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू ट्रेवल टू मुंबई यू गाइज कैन ट्रेवल टू मुंबई ऑल्सो, और एल्स अगर आप मुंबई से ही हो तो यू कैन ज्वाइन द क्लास। मेकअप हाथ में क्यों चिपकता है? क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्ट ले लेते हो हाथ में, इसलिए। मैम मारी वैनिटी में सिर्फ जिया सोसा फेवरेट प्रोडक्ट ही रखे है, इरेन सर से बाय करना है। श्योर कर सकते हो। उर्मी दी जे क्लास में हो ए जोरदार जो है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेंस को कितने बार यूज कर सकते हैं? 1 टाइम यूज वाले 1 टाइम ही यूज करो, ज्यादा मत यूज करो। आई लैशेज नंबर, आपने आई लैशेज लगा दी? नहीं। तो कौन सा नंबर पूछ रहे हो? वही मैं सोचू मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया।
आप ले, आप मुझे LIT का डिजिटल दे दीजिए। I'm using Max Touchwood series palette and I'm gonna use a pinkish tone because उनका color tone जो है वो हल्का सा pink tone पे है, so I will use this color and I'll mix this little a peachy bronze tone. All right, आप palette कौन सी है अभी? अगर आप अभी अभी का तो question नहीं है, ये पहले का question है, तो मुझे पता नहीं इससे पहले जिया मैम ने क्या यूज किया था। मस्कारा। अच्छा आई थिंक वो ब्लू कलर आई शेडो के लिए, अंडर आईज के लिए बोल रहे, तो दैट वाज अ हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट, अ स्मॉल पैलेट। ऑब्सेशन, यस। चलो ब्रश नंबर्स वगैरह तो हमने बता दिए हैं पहले ही। BCAI changed our makeup from lockdown. लव यू जिया मैम एंड स्वीट एंकर उर्मी, थैंक यू। फैशन फीवर के प्रोडक्ट आपके पास मिलेंगे? ऑफकोर्स मिल जाएंगे। मैक्स टच हाईलाइटर एंड ब्लशअप पैलेट कैसा है? बहुत अच्छा है। लिप पैलेट भी बहुत अच्छा है, जिया मैम यूज कर रही है। हाउ टू अवॉइड फिंगर स्टैम्प आफ्टर फाउंडेशन एंड बेकिंग, जिया सोसा पफ ले लीजिए, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिया मैम तमें तुम्हारी मेकअप प्रोडक्ट बनाओ प्लीज। नहीं, मुझे वो नहीं बनाना। उर्मी मैम, रिचा मैम ने पण ऑनलाइन लिया वो, प्लीज श्योर। आपकी सारी विशलिस्ट बता दीजिए, मैं लिख के रखती हूँ। मैम आई शेडो ब्लेंडिंग ब्यूटीलिशियस ब्रश नंबर 315 314 311। पैनकेक कौन सा अच्छा? पैनकेक कोई यूज नहीं करता, कोई नहीं। फैशन फीवर का हाईलाइटर प्राइस बाद में आप डीएम कीजिए, हम बता देंगे। मैम मैक के हाईलाइटर कैसे? बहुत अच्छा है, ओ डार्लिंग शेड बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो। ओ डार्लिंग की पैलेट भी आती है। रिंग लाइट लगाना जरूरी है? ऑफकोर्स लगाना जरूरी है, तो ही तो जिया मैम लगाते हैं, वरना क्यों लगाते हैं। मैम क्लास में ब्लेंडिंग टेक्निक्स भी बताएंगे? ऑफकोर्स, जिया मैम तो जानी ही जाती है अपनी ब्लेंडिंग टेक्निक्स के लिए, तो क्यों नहीं बताएंगी। फाउंडेशन में ड्यूरालाइन ऐड कर सकते हैं? आई रियली डोंट नो, जिया मैम यूज नहीं करती। अगर आप को एक्सपेरिमेंट करना है तो एक बार कर सकते हो। मैम फैशन फीवर के प्रोडक्ट्स और फेरो रुची के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? ऑफ कोर्स अवेलेबल है। नताशा दिलोन के कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए? ब्लश पैलेट। नताशा दिलोन का ब्लश पैलेट वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है, सो वो आप ले सकते हैं। रिंग लाइट क्यों यूज करते हैं? बस यही हमारा मन करता है इसलिए। आईब्रो रियल में सारी नहीं लगती हमें, करिए त्यारे सू प्रॉब्लम जी, बिकॉज आप डार्क शेड यूज करते हो, ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हो, कम प्रोडक्ट यूज कीजिए और डार्क ब्राउन शेड यूज कीजिए, ब्लैक मत यूज कीजिए। मैम काजल किसको बेटर है, फैशन फीवर या फॉरएवर 52? फैशन फीवर का जिया मैम ने यूज किया है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। फॉरएवर 52 एंड फैशन फीवर, दिस थ्री ऑफ देम क्वालिटी सेम। ओके, तीनों का आई मीन फेरारुशी, फैशन फीवर, फॉरएवर 52, तीनों FFF आर द सेम क्वालिटी, सो आप कोई भी बाय कीजिए। बिकॉज़ दे आर फ्रॉम दुबई UAE, तो तीनों की प्रोडक्ट ऑलमोस्ट पेंसिल सेम है। आई एम यूजिंग सुपर बेस फ्रॉम फेरारुशी एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ग्लू, एंड नाउ आई एम गोना यूज LIT ग्लिटर एंड द शेड इज जिगी डस्ट। एंड व्हाट इज द ब्रश नंबर? ब्रश नंबर इज 105। 105 फ्रॉम PAC। हम पहले सुपर बेस लगा रहे हैं, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल सुपर बेस फ्रॉम फेरारुशी। ग्लिटर लगाने से पहले यूज कर रहे हैं, नाउ वी विल फिक्स द ग्लिटर्स। चलो मैं कुछ देर के लिए कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ, किसी के बहुत सारे कमेंट्स मिस हुए। जस्ट गोल्ड के फाउंडेशन कौन से लेने? 1 नंबर एंड 5 नंबर ले लीजिए, मिक्स एंड मैच करके यूज कीजिए। दीदी मेकअप में लास्ट में मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर यूज करने के बाद थोड़ी देर के बाद में पैची हो लगता है, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा लगा रहे हो या तो राइट टेक्निक से नहीं लगा रहे हो, आपका ब्रश ब्लेंड नहीं, आपका ब्रश अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वन रीजन। सो नाउ द बेस्ट आई कैन से द हाईलाइटिंग पार्ट, जो हमारे पूरे मेकअप का सबसे फेवरेट पार्ट है, द हाईलाइटर, द ग्लिटर्स ऑफ द आईज, जिसकी वजह से पूरा लुक चेंज हो जाता है। सो यस, सिकी डस्ट यूज कर रहे हैं, पहले सुपर बेस फ्रॉम फेरारुशी,
एंड देन उसके ऊपर जिगीदार शेड। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये मेकअप। ऑल राइट एंड थैंक यू सो मच पीपल फॉर शेयरिंग, फॉर शावरिंग सो मच लव ऑन अस। आप सब लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा लगा हम सबको मेकअप महोत्सव में। ऑलरेडी वी हैव क्रॉस 1100 प्लस स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस, सो कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं बट मैंने क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया है। हैदराबाद में आपका एक्सपो है? नहीं, हमारा नहीं है हैदराबाद में। आई एम कमिंग टू हैदराबाद फॉर टू डेज। इट्स अ टू डेज मास्टर क्लास एंड इट क्लोज। इट्स ऑन 16th एंड 17th ऑफ जनवरी। मैं 11 तारीख को भोपाल आ रही हूँ। वन डे सेमिनार, लुक एंड लर्न सेमिनार वन डे। यस, और हम 5 डेज मुंबई आ रहे हैं फॉर मास्टर क्लास। ओके, हेतल पटेल जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, तो एक क्वेश्चन उनका ये है जो मैंने स्क्रीन पे लेकर आया है। आप जिया सोसा जी की बहन हो? ओ बापरे, एवरीबॉडी आस्क्स। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बट यस, हम लोग ऑलमोस्ट बहनें जैसी ही हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। 3000 पे करके 45 डेज का क्लास है? यस ऑफ कोर्स हेतल पटेल जी, 3000 पे करके 45 डेज का क्लास है। ठीक है, एंड टिल दिस विल बी अप्लाइंग फॉरएवर 52 के शेड्स प्लीज। आई थिंक 04, 14 and 6 प्लीज टेल आई शैडो पैलेट फॉर बिगनर्स। आई थिंक कार्निवल या जस्ट गोल्ड। जस्ट गोल्ड इज ऑल्सो वेरी गुड, गुड एंड यू कैन गो विद फॉर एवर 52 और 3 पैलेट्स, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। ओके, द लैश आई एम यूजिंग इज फ्रॉम मैक्स टच। ओके, वी यूजिंग मैक्स टच आई लैशेस। मैम जोधपुर में भी आइए, जोधपुर। ओके, मित्तल इज आस्किंग जिया मैम मुझे लिपस्टिक लगाने में बहुत टाइम लगता है, सो फास्ट लिपस्टिक लगाने की ट्रिक मेकअप महोत्सव में बताओगे? प्रैक्टिस एंड शेपिंग। जिया मैम लिपस्टिक शेपिंग में बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स देती है, सो यस मेकअप महोत्सव में आपको लिप शेपिंग के बारे में पता चलेगा। सो यस, एक बार सूरत एक्सपो में ऐसा हुआ था कि हमारी मॉडल जो थी उसके लिप्स नाक के बराबर थे, सो जिया मैम ने इतना यूनिक लुक क्रिएट कर दिया था उसका, वो मॉडल का, कि वो खुद ही इतना खुश हो गया। उसने कहा कि अब हमेशा मैं ऐसे लिपस्टिक लगाऊंगी। कल भी ऐसा ही हुआ था। यस दिशा ने मुझे बताया अभी। 45 डेज का क्लास कहाँ पर है? ऑनलाइन है निशा, मेकअप महोत्सव ऑनलाइन क्लास है 15 अलग अलग आर्टिस्ट का, जिसमें जिया मैम भी है और बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, नेल आर्टिस्ट है और हेयर केमिकल भी है। सो ये हर आर्टिस्ट आपको 3-3 डेज का ऑनलाइन क्लास देगा। 3-3 डेज के ऑनलाइन क्लास में आपको बेसिक टू एडवांस डीप नॉलेज मिलेगी एंड तीनों दिन अलग अलग टेक्निक से मेकअप, हेयर स्टाइल और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो 45 डेज की ये जो क्लास है, हर एक आर्टिस्ट 3-3 डेज लेगा। सो 15 आर्टिस्ट है तो 15 आर्टिस्ट के 3-3 डेज ईच मिला के होते हैं 45 डेज, और इनकी जो क्लास है वो एक साल तक सारे वीडियो सेव रहेंगे और आप कभी भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं। द हाईलाइटिंग पार्ट ऑफ दिस महोत्सव क्लास इज कि हम प्री रिकॉर्डेड वीडियोज नहीं डाल रहे हैं, हम लाइव क्लास लेते हैं ताकि आपको जो भी डाउट्स हो आप डायरेक्टली क्लास में पूछ सकते हो। द
The fees for the online 45 days class is only and only 3000 rupees. 3000 रुपए में आपको 15 आर्टिस्ट जो इंटरनेशनली ट्रेंड है उनके क्लास करने मिलेंगे और हर एक आर्टिस्ट 3 डेज सिखाएगा और सारे वीडियोस 1 साल तक सेव रहेंगे. सो 3000 रुपीज की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक है. 31 दिसंबर के बाद द फीस चेंजेस टू 4500. So here I'm done with the makeup and now the part of the jewelry. Yes. ड्राई स्किन के लिए बजट फ्रेंडली प्राइमर कौन सा? आप स्वीट प्राइमर ले सकते हो. स्वीट प्राइमर जो है दुबई प्राइमर वो वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर है. ब्लैक जेल लाइनर ने ब्लेंडिंग माटे ब्लैक और ब्राउन विच कलर यू यूज? ब्लैक कलर ऑफ कोर्स. ब्लैक को हमने ब्लैक से ही ब्लेंड किया है. मैम अभी कौन सी ब्लैक स्केच लाइनर लगाई आपने? फेरारुशी की लगाई है. हीरल पटेल बोल रही है बिंदी ब्लू पर्पल और पिंक में लगाओ ने प्लीज. ओके ठीक है हीरल जी आपका हुक्म. सुपर मेकअप. थैंक यू. सो आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रीनशॉट्स लेने हैं. डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल मेकअप. और ये मेकअप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ऐसा मेकअप नहीं आएगा. LIT ग्लिटर प्राइस प्लीज DM us. Shopper Hill के भी ग्लिटर्स इतने ही ब्यूटीफुल है. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन गो विथ Shopper Hill ग्लिटर्स ऑल्सो विच आर पॉकेट फ्रेंडली. पफ कहाँ मिलेगा? पफ आपको हमारे पास मिल जाएगा. विच नंबर लैशेज मैक्स टच की? मैक्स टच लैशेज नंबर 06 नंबर. 06 नंबर है निशा जी. सो येस ऑलरेडी पीपल आर शावरिंग सो मच लव and thank you for that. Thank you very very much. So yes you can see ki main thoda sa zoom in karti hu taki aapko pata chale. Okay so aap dekhiye ki अब हम लगा रहे हैं फैशन फीवर का होलोग्राफिक हाइलाइटर एंड यू कैन सी कि मैम ने ऑलरेडी नेकलाइन पे भी लगाया है. बिलो द नेकलाइन पे भी लगाया है. द ओनली पर्पस इज कि जब भी आप मेकअप करो तो वो सब पार्ट्स भी कवर होने चाहिए. और डॉली के बाल की बलि चढ़ रही है थोड़ी थोड़ी. इट्स ओके डॉली एक आध लटी निकली है. सो हाँ वही तो बट ट्रस्ट मी गाइज डॉली इज लुकिंग सुपर ब्यूटिफुल. उसकी आईज ओ माई गॉड. ऑलरेडी डॉली के फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड आज हाँ डॉली का मेकअप इसको भी पसंद आया. पाशु प्लेस हुआ है. यस और बहुत ही अच्छा लग रहा है. द ब्यूटिफुल ज्वेलरी इज फ्रॉम श्रीजी ब्राइडल. सो गाइज मैं कमेंट्स ऑन कर रही हूँ. आई होप आप लोगों ने ब्यूटीफुल स्क्रीनशॉट्स ले ही लिए रहेंगे. सो मुझे बताइए कैसा लगा आपको आज का मेकअप लुक. बेस्ट ग्लिटर ग्लू कौन सा है? ऑफ कोर्स फैशन फेरारुशी का सुपर बेस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्लिटर ग्लू. मस्त हेलो ओके. केसर परमार जी ने बहुत सारे रोजेस भेजे हैं मैम आपके लिए. काजल प्राइस प्लीज प्लीज DM जिया सोसा और एल्स DM मी. कौन सा मेकअप है मैम? ये बस सिग्नेचर मेकअप है जिया मैम का एंड इट इज अ वेरी आई कैन कॉल इट अ आप मतलब ब्लेंडेड मेकअप बोल सकते हो उसको. वेरी नाइस मेकअप. ऑसम मेकअप मैम. आई लाइक इट. थैंक यू. इफ यू लाइक इट प्लीज प्रैक्टिस इट
और ऐसे बहुत सारे एडवांस मेकअप विद बेसिक नॉलेज आपको सीखने मिलने वाले हैं हमारे ऑनलाइन क्लास में. सो हमारा ऑनलाइन मेकअप क्लास, मेकअप महोत्सव 45 डेज का ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसका सिर्फ एक क्लास फिनिश हुआ है और सारे वीडियोस एक साल तक सेव रहने वाले हैं. सो आप लोगों को ज्वाइन करना है तो जल्दी से हमें डीएम कीजिए. जो नंबर्स पे आपको मैसेज करना है मैं वो नंबर्स रिपीट कर देती हूँ. हिमांशु को आप मैसेज कर सकते हो, द नंबर इज 9825711376. आप धवल मारडिया को कांटेक्ट कर सकते हो 7874281683. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, माई नंबर इज 9265255114. सुपर आई मेकअप, थैंक यू. प्लीज सिर्फ सुपर बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये मेकअप प्रैक्टिस करना है. ऑसम मैम, थैंक यू, वेरी नाइस मेकअप, थैंक यू सो मच, सुपर से ऊपर, थैंक यू वेरी मच. हैव अ ब्यूटीफुल स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आई मेकअप लुक एंड यू कैन डायरेक्टली पोस्ट इट टू जिया सोसा, बीसीआई, इरिन पटेल. आई विल ट्राई दिस मेकअप मैम, सुपर मेकअप मैम, थैंक यू मैम. फुल पिक दिखाइए, श्योर फुल पिक भी दिखा देंगे, व्हाई नॉट मैम. आई नीचे कौन सा ग्लिटर लगाया, ये अर्बन डीके का था, काउबॉय वॉज द शेड. आंसू लगा हुई छे मैम, अर्बन डीके का काउबॉय ग्लिटर लगाया है, खूब छान सुंदर, ऑसम ऑसम, थैंक यू. सी आई कैन एक्सप्लेन देम अबाउट द लाइट, व्हाई नॉट, यस. सो गाइज यू कैन सी, अभी आप मेकअप देखिए फेस पे कैसा दिख रहा है, फेस प्रॉपर मिरर में लीजिए, मिरर में, और थोड़ा जूम इन कम कर दीजिए, थोड़ा और बढ़ाइए, जूम इन बढ़ाइए, परफेक्ट. सो गाइज नाउ यू कैन सी दिस इज अ मून लाइट, लाइक मैं इसको ना ऑरेंज रख रही हूँ ना इसको मैं व्हाइट रख रही हूँ, सो यू सी द डिफरेंस. मैं अभी इसको व्हाइट करूंगी, मेक इट कम्प्लीट वाइट, गो दैट वे. सी गाइज कैसा लग रहा है मेकअप, अभी आपको हल्का सा ग्रे लुक लग रहा होगा, इज इट लुकिंग ग्रे, इट इज थोड़ा सा डार्क लग रहा है, और डार्क नहीं बट इट लुक्स ग्रे वेन यू कीप इट वाइट. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक इट लिटिल बिट ऑरेंजिश टोन, यस, एंड नाउ यू सी द डिफरेंस. ये डिफरेंस आपको मेकअप में और ये डिफरेंस आपको फोटोशूट्स में यूज होता है विद द सेम कलर. आप यही सेम कलर मेरे ऊपर रखेंगे, इफ आई कीप इट फॉर माई सेल्फ, लॉरी कैन यू स्टैंड अप, पुट नाइस म्यूजिक, यस, एंड नाउ इफ यू सी दिस लाइट्स टू माई मेकअप, थोड़ा सा मैं ज्यादा जूम इन कर रही हूँ ताकि आपको रिंग लाइट्स का सेटिंग भी दिखे. ये व्हाइट लाइट है, मैंने वेस्टर्न मेकअप किया है, तो यू सी माई मेकअप लुक्स डिफरेंट इन दिस लाइटिंग, और यही सेम मेकअप मैं रख रही हूँ. एंड इफ आई एम चेंजिंग माई कलर, इट्स अकॉर्डिंग, सी द कलर, नाउ सी द मेकअप. सो ये लाइट का नॉलेज आप सब लोगों को कितना यूजफुल लगा ये बताइए, वॉज इट वेरी यूजफुल. सो दिस कलर यू नीड टू कीप इट, कि ये कलर रखने से आपका मेकअप एनहांस होता है. इफ यू कीप इट कम्प्लीट व्हाइट, आप व्हाइट रखते हो, सो यू सी माई मेकअप लुक्स वेरी एलिगेंट एंड दिस लुक्स वेरी ग्लैमरस, ये बहुत ज्यादा ग्लैमरस दिखता है. सो यू कैन कीप दिस ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी एंड लव यू गाइज. And thank you BCAI, thank you Kalpesh bhai for giving this opportunity and making a people learn with thousands of different techniques and thousands of different new things. And here is my model Dolly. And what kind of music do you want? Any soft music. Himanshu song lagar taraf lagna. Ek minute. यूट्यूब में जाता है सॉन्ग. सो यस थैंक यू सो मच जिया मैम एंड उर्मी दी, थैंक यू. यू आर नॉट रिप्लाइंग, सॉरी. शिखु जी का क्वेश्चन कहाँ गया, नहीं दिख रहा है, दिखेगा तो मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगी. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. कभी कभी क्या होता है ना, जब जिया मैम कुछ बोल रही होती है तो मेरा ध्यान, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं भी ध्यान से सुनती रहती हूँ,
तो वो चीज होती है इसलिए मिस हो जाते क्वेश्चन. मैम यू आर लुकिंग सो स्वीट, थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ जिया मैम. रिंग लाइट कौन सी लेनी चाहिए? जो जिया मैम यूज कर रही है वही लो. डिजिटेक जिया मैम के पास क्लास लेनी हो तो क्या फीस है? डीएमआर जल्दी से डीएम कीजिए गाइस. चलो बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रीनशॉट्स लीजिए एंड टैग एवरी वन ऑफ अस. मैम प्लीज कोई अच्छा सा जेल लाइनर बता दो. इंग्लॉट सबसे बेस्ट है. फैशन फीवर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलर. वाई यू डिंट सेव दिस वीडियो? वाई? अरे ये वीडियो एंड करने के बाद सेव करूंगी. अभी से कैसे सेव कर दू गाइज? ऑन इंस्टाग्राम वंस यू एंड द वीडियो ओनली देन यू कैन सेव इट. उसके पहले आप सेव नहीं कर सकते हो. रिंग लाइट डिजिटेक की है. आईज क्लोज प्लीज. आईज अगर मेकअप ग्रे लगता है तो मेकअप महोत्सव की क्लास ज्वाइन कीजिए, वरना जिया मैम का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए. So guys, a huge round of applause for none other than Jia Sota with a beautiful makeup. I hope you really like the makeup. So guys, thank you so much and you can see my makeup looks so amazing. Oh my god. Yes. And now can you hold the phone Himanshu and let's get the beautiful captures with the model and Jia Sota. Hi. Hi. Can you see? Hmm. Hi. Very nice you're playing with that. I'm proud of you. Switch on the light. Yes. The gorgeous Jia Sota with her gorgeous model Dolly. Woo! Love me, love me. Yes. Like my life. Fine, So guys, thank you so much for watching me and let's join this makeup mahotsav 2020 and it's gonna be 21 and here it is, my princess is coming. The cap is big. Any cap can be under chance. Yes, so Jia ma'am will wear this cap because ye cap to hai to Jia ma'am ki. So here is Parshvi. Pashu. So let's have this song once again because I'm in love with this song. मैं आई
we have a little princess in my house, and we had a super duper Christmas shoot. But ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये शूट मेरे साथ नहीं हुआ, पर पार्श्वी का हो गया है. एंड वी हैव डन विद द क्रिसमस शूट. यस. और ये लोग लेट आए थे इसके लिए मेरा नहीं हुआ. एंड वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. बट यस, वेरी सून वी विल पोस्ट द पिक्चर्स. वेरी सून वी विल बी पोस्टिंग द पिक्चर्स ऑफ पार्श्वी. एंड यस, जिया मैम के साथ एक दो क्लिक लिए हैं हमने, तो वो भी पोस्ट कर देंगे हम लोग. सो यस, योर इज पार्श्वी, जो उर्मी जिया दोनों की बेबी है. वी ऑलवेज डू दिस, हम ये करेंगे, अभी भी रोज करते हैं. यस, हर बार करते हैं. चलो, ये हम हर बार जब भी मिलते हैं तभी भी क्लिक दिस पिक्चर. तो जिसने भी स्क्रीनशॉट लियो हमें टैग करे. यस. एंड गाइस, टुमारो वी हैव अ क्रिसमस, एंड थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस टू एवरीबडी. एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू अनाउंसिंग दिस ब्यूटिफुल मेकअप महोत्सव क्लास. सो मुंबई का भी हमारा क्लास है फॉर 5 days. यू कैन ज्वाइन द क्लास. यस, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस ब्यूटिफुल मेकअप महोत्सव क्लास. डॉली, कैन वी हैव यू? सो ये मेकअप अगर आपको अच्छा लगा है तो पक्का मेकअप महोत्सव में इससे भी, यू नो द एक्सपेक्टेशन, वी आर बिल्डिंग अप हाई एक्सपेक्टेशन. तो आपको ये ऐसा मेकअप और इससे भी बेटर 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 मेकअप सीखना है तो मेकअप महोत्सव की क्लास ज्वाइन करना अनिवार्य है, जरूरी है. सो जल्दी से मैसेज कीजिए. अगर किसी ने अभी तक कॉल किया रहेगा और मैंने रिसीव नहीं किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. एक घंटे बाद हम सबके कॉल्स के रिप्लाई देंगे. सो यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डीएम अस. बाय फॉर नाउ, सी यू.